लीजिए, मैं निकल आया हूँ सड़क पर। कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, लोग गांव के बाहर बहुत दूर तक निकल आए हैं। चल रहा हूँ, ये रोड कभी हुआ करती थी एकदम कच्ची रेत से भरी हुई और बारिश के मौसम में पूरा कीचड़ यहाँ हो जाया करता था, लेकिन अब देखिए क्या शानदार कंक्रीट की सड़क है और ट्रैक्टर ट्रॉली सब यहीं से आ जा रहे हैं। तो 15 साल में बहुत तरक्की हुई है पिछले इस गांव की। मुझे याद है जिस घर में मैं रुका हूँ, उस घर में बाहर एक चूल्हे पे बैठकर के खाना बनाया जाता था। अभी भी वो चूल्हा वहाँ है और उसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि गैस कनेक्शन आ गया है, और हम हाथ से हैंडपम्प चला कर के पानी भरते थे। अब वहाँ मोटर लगी है और ऊपर वाटर टैंक है। सी मतलब जितनी फैसिलिटी, किचन भी वो जो हम नीचे बैठ कर के ज़मीन पे खाना चूल्हे पे बनाया करते थे जिस किचन में, आज वहाँ मॉड्यूलर किचन है विद वाटर आरओ प्यूरीफायर सिस्टम। तो इस तरह के चेंजेस देख के बड़ा अच्छा लगता है। गांव वाकई, ये गांव तो पर्टिकुलरली काफ़ी तरक्की कर गया है। इनफैक्ट तरक्की कमोबेश थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हर जगह पर है, ये अच्छा है। अब यहाँ देखिए पीली सरसों के किनारे किनारे चलता हुआ, एक तरफ ईख लगा है यानी गन्ने की खेती है, बीच में ये रास्ता है इस तरह से, और मैं बढ़ रहा हूँ अपने खेत की तरफ। ओहो, ये तो मामा जी वापस आ रहे हैं क्या? वही हैं, आपके पास आ रहा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, आप पहुँचो। डबुगी लेके हम बचपन में यहाँ इस तरह तक आते थे और यहाँ से इस तरफ लेफ्ट टर्न लेके निकलते थे अपने खेतों की तरफ। चलिए लेते हैं टर्न और चलते हैं अपने खेतों की तरफ। तो मेरे खेत या हमारे खेत जो हैं, यहाँ से आगे जाके राइट टर्न लेना है, फिर एक ट्यूबवेल है, वो वही ट्यूबवेल है जिसके नीचे मैं नहाया करता था। वहाँ इंजन चलता था, डीजल इंजन जो घर पे रखा है, और उससे हम पंप करके ज़मीन से पानी निकाल कर खेतों में चलाया करते थे। ये एक खूबसूरत सी जगह पहुँच गया हूँ, ये एक तिराहे की तरह है, इस तरफ से रास्ता आता है, इस तरफ जाता है और इस तरफ जाता है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि इस तरफ हमारे खेत हैं कि इस तरफ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि खेत उस तरफ हैं। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। छोटा सा गन्ना दे दो चूसने खाते। आज चरखी में जाओगे या मिल में जाओगे? मिल की खातर कर रहे हैं, चारे कोरी का दे दो, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। सब्जीस वाला बढ़िया, थैंक यू जी। मैं आए और गन्ना नहीं चूसा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। तो पड़ोस के खेत से मैंने जो छोड़ रहे थे खेत, उनसे ले लिया गन्ना। अब गन्ना चूसते हुए अपने खेत की तरफ बढ़ेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, मैं तो बाहर किसी रास्ते पे निकल आया। हाँ, मिल गई, ये रही। तो आजकल इंजन वाली ट्यूबवेल नहीं होती जैसे पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था, इंजन वाली ट्यूबवेल होती थी। वो जो इंजन गांव में लगा हुआ है ना, उसको हम लाते थे लोड करके और यहाँ लगा के फिर डीजल इंजन से चलता था। अब मोटर वाला सिस्टम है। तो ये कुआँ है और इस कुएँ के अंदर आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर है, इसके नीचे छिपा करके रखा गया है कंट्रोलर को, और इसके थ्रू आप मोटर को ऑन या ऑफ करते हैं। और ये जा रहा है वो पाइप जहाँ से पानी जाता है उस नाली के थ्रू खेतों में। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट खेतों में पानी देने का ट्यूबवेल के थ्रू। दुनिया मॉडर्न हो गई है, नहीं बदल गई चीज़ें, डीजल इंजन की तरह जगह पे अब आ गया है इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी कुएं के अंदर बिल्कुल पैक, बस बटन दबाओ काम ख़त्म। छोटी सी मोटर है, पंप को चलाती है और वहीं से खेतों में पानी सप्लाई हो जाता है। हाउ सिंपल इट इज़, अर्लियर इट यूज टू बी सच अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अमेजिंग मैन, आई एम लविंग इट। गन्ना चूसता हूँ, गन्ना चूसने के बाद मैं वापस निकलूँगा।
चलने के बाद गर्मी लगनी शुरू हुई है या धूप बढ़ गई है इसलिए गर्मी लगनी शुरू हुई है पता नहीं है, पर मैं जाने वाला हूँ वापस घर की तरफ। पर यहाँ बैठ के पहले गन्ना चूसने वाला हूँ।